सो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आज की ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप का क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। एंड आप लोग देख सकते हो ये फोटो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव से लग रहा है। एंड मैंने इस फोटो को सुबह ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। एंड कुछ भैया को मेरे पास DM भी आ चुके हैं कि भैया आप लोग इस फोटो का ट्यूटोरियल दो। एंड आपने जो इस फोटो के अंदर ये वाला PNG यूज़ किया है स्क्वेयर वाला, तो हम लोग इस वाले PNG को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड हाँ गाइस, आज की ये वीडियो में जो ये वाला PNG यूज़ किया मैंने, इस वाले PNG का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नहीं प्रोवाइड कराया है, तो आप लोगों को सिंपली से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कहीं पर भी बता सकता हूँ कि आप लोग को ये वाला PNG कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग को जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन आप लोग को Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, तो गाइस जैसे ही आप लोग Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप लोग को देख सकते हो आप लोग अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। सो जैसे ही आप लोग अपनी फोटो को इस मतलब Lightroom एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करते हो, नॉर्मल पिक को आप लोग को इंपोर्ट करने के बाद आप लोग को ये वाला प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जस्ट आप लोग को इस प्रीसेट का लिंक आप लोग को कॉपी करना है। तो अगर आप लोग को सीखना हो कि हम लोग प्रीसेट को कैसे ऐड कर सकते हैं Lightroom एप्लीकेशन के अंदर एंड उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग ये वाली वीडियो जरूर से जाकर देख लेना। इस पर मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कैसे आप Lightroom एप्लीकेशन के अंदर अपने प्रीसेट को ऐड कर सकते हो एंड कैसे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग को Lightroom एप्लीकेशन के अंदर इस वाले प्रीसेट को ले आने के बाद आप लोग को क्या करना है, जस्ट आप लोग को यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड नीचे आप लोग को ये वाला एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप लोग को इस पर टैप करना है। एंड यहाँ से आप लोगों को ऊपर वाले लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आप लोग की इस प्रीसेट का लिंक कॉपी हो मतलब कि प्रीसेट की जो भी सेटिंग्स हैं वो सभी आप लोग की कॉपी हो चुकी है। देन अभी आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर कॉपी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है। देन आप लोग को इसके नीचे एंड देन इसके जस्ट नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग को जस्ट टैप कर देना है। तो आप लोग इस स्टेप से आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी फोटो हो चुकी है 1 क्लिक के अंदर एडिट। एंड अगर जिन भाइयों की भी फोटो आप लोग 1 क्लिक के अंदर एडिट ना हो, तो उन भाइयों के लिए मैंने आगे आप लोग को एक ट्रिक बताई है, तो आप लोग उस ट्रिक का यूज़ करके अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस फोटो को कर लेते हैं गैलरी के अंदर सेव। एंड जैसे ये फोटो सेव हो जाती है, तो सेव होने के बाद अभी हम लोग ओपन करते हैं PicsArt एप्लीकेशन को। ओके, तो गाइस जैसे ही आप लोग PicsArt एप्लीकेशन को ओपन कर लो, ओपन करने के बाद आप लोग को अपनी फोटो को इस PicsArt एप्लीकेशन अंदर इंपोर्ट करनी है। एंड इंपोर्ट होने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग को टैप करना है एंड ऐड फोटो में चली जाना है। एंड आप लोग को एक स्क्वेयर वाला PNG को यहाँ पर ऐड करना है। तो स्क्वेयर वाले PNG को आप लोग को ऐड करना है, तो उससे पहले अगर आप लोग को स्क्वेयर वाले PNG डाउनलोड कैसे करना है, पहले आप लोग को ये बताता हूँ कि डाउनलोड करने के लिए आप लोग को क्या करना है, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। एंड आप लोग को जरूर से इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। इस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत कुछ आप लोग को एक्सप्लेन किया है, सो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को ये वाला स्क्वेयर वाला PNG मिल जाएगा। तो आप लोग को जस्ट यहाँ से ऐड फोटो में जाना है और वो वाला स्क्वेयर का PNG आप लोग को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके, तो वैसे ये स्क्वेयर वाला PNG यहाँ पे ऐड होने के बाद आप लोग को कहना है कि जस्ट आप लोग को इस फोटो के ऊपर फुल्ली बढ़ा करके लगा देना कुछ स्टेप से। एंड देन इसके बाद आप लोग इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। सो इसका ब्लेंडिंग मोड रख लेना है मल्टीप्लाई। एंड अगर आप लोग चाहो तो अपनी फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग इसको साइज़ को छोटा या बड़ा या इधर उधर कहीं पर भी लगा सकते हो आप लोग को, जस्ट अपने आप अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो के। एंड देन यहाँ पे मैं अभी अपनी फ़ोटो के फुल्ली यहाँ से कुछ स्टेप से लगा देता हूँ। देन अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से ऊपर वाले क्लिक करके डन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाले स्क्वेयर वाले PNG आप लोग की फोटो के ऊपर कुछ स्टेप से लग चुके हैं। देन अभी आप लोग को क्या करना है, FX के अंदर चले जाना है आप लोग को, और यहाँ से आप लोग को FX का ऑप्शन मिलता है एक, इस पर आप लोग को टैप करना है और आप लोग को बहुत सारे फिल्टर देखने को मिलेंगे। जस्ट आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग को एक फिल्टर मिलेगा ब्लैक एंड वाइट के नाम से, तो आप लोग को जस्ट उसे फाइंड आउट करना है एंड उसको आप लोग अपनी फोटो के ऊपर कुछ स्टेप से अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई होने के बाद आप लोग को ऊपर की साइड में इरेजर का ऑप्शन मिलता है, देन आप लोग को उस पर टैप करना है और इरेजर में चले जाना है। इरेजर में जाकर के आप लोग को इरेजर को सिलेक्ट करना है और जस्ट आप लोग को कुछ स्टेप से आप लोग को स्क्वेयर के अंदर अंदर आप लोग को जो स्क्वेयर का अंदर का पार्ट होता है उसके अंदर आप लोग को जस्ट कुछ स्टेप से इरेज कर लेना है। तो जल्दी से मैं यहाँ से इरेज करके आगे आप लोग को बता दूँ आगे क्या करना है आप लोग को। Turns the sun rays.
ओके तो गाइस जैसे ही आप लोग इसे यहाँ से इरेज कर लो देन अभी आप लोग को कर देना है यहाँ से डन। एंड डन होने के बाद आप लोग फिर से अगेन यहाँ से कर देना है इसको डन। देन अभी डन होने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आप लोग की फ़ोटो हो चुकी है फुल्ली एडिट। तो अभी जिन भाइयों की फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एडिट नहीं हो पाई है तो उनके लिए आप लोग को क्या करना है, उन भाइयों को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को चले जाना है एफएक्स के अंदर। एंड देन आप लोग को लास्ट में यहाँ से कलराइज का ऑप्शन मिलता है आप लोग को, तो जस्ट आप लोग को कलराइज के ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है कलर रिप्लेस का, तो आप लोग जस्ट उन भाइयों के लिए कलर रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टैप करोगे तो आप लोग के पास ये वाला सर्कल आ जाएगा, तो जस्ट आप लोग को इस सर्कल को क्या करना है बैकग्राउंड में जो कलर हो उस पर आप लोग को टैप करके कुछ स्टेप से डन करना है। एंड देन अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से इसकी जो ह्यू होती है फर्स्ट वाली इसको आप लोग को कम या ज़्यादा करके देखना है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड का कलर है उस पर आप लोग को फोटो देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है। जो भी आप लोग का पसंदीदा कलर हो उसको आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ से करता हूँ इस वाले कलर को सिलेक्ट। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि आप जो कि आप लोग की अपनी फ़ोटो होती है उसके फेस के ऊपर भी कुछ स्टेप से आप लोग को देख सकते हो भद्दी से लग रही है। देन इसको आप लोग को इरेज करने के लिए ऊपर की साइड में इरेजर का ऑप्शन मिलता है, एंड इरेजर में ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। एंड यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट आप लोग को अपने फेस के ऊपर कुछ स्टेप से इसे इरेज कर लेना है। तो गाइस ओके आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हम लोगों ने इरेज कर लिया अपने फेस के ऊपर से। एंड देन अभी आप लोग को इसका कोई सा भी कलर आप लोग रख सकते हो जो कि आप लोग को पसंदीदा हो, तो यहाँ से आप लोग कोई सा भी कलर करके आप लोग डन कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो आप लोग की पिक हो चुकी है फुल्ली रेडी। अभी आप लोग इस फोटो को ड्रॉ टूल में ले जा करके यहाँ से सेव कर सकते हो। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ गाइस चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूँ इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।